नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोड़। मंगलवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा और केरला के दौरे पर हैं। उन्होंने उड़ीसा में 1500 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लिए सौगात दी है। उड़ीसा के बलांगीर में नई रेल लाइन का उद्घाटन किया और कहा कि नागालवी नदी पर बनाया नया रेल पुल देश को समर्पित है। प्रयागराज कुंभ मेले में आज मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में शाही स्नान किया। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े में सुबह 6:15 पे शाही स्नान हुआ। इसके बाद अटल अखाड़े ने शाही स्नान किया। पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश और उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हवाएं दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। कोहरे के चलते उत्तर भारत में कुल 13 ट्रेनें लेट हुई। BSP सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर ठगा है। मायावती ने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है और इस चुनाव में कांग्रेस को एक सबक सिखाएंगे। मंगलवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।